हेलो एवरीवन, दिस इज रेमलोत्रा। हाउ आर यू? सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो हॉट वाइफ के ऊपर है। हॉट वाइफ का मतलब क्या होता है? हॉट वाइफ, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हॉट मतलब गरम और वाइफ मतलब पत्नी। तो मतलब क्या हुआ? वो वाइफ जो कि हॉट है। यहाँ पे जो वर्ड है दो सेंस से लिया जा सकता है। एक तो ये कि वो वाइफ जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, फिगर वाइज बहुत बढ़िया है और गुड लुकिंग है, तो उसे हॉट कहा जाता है। और दूसरा, भले जो वाइफ है, जो लेडी है, भले वो देखने में सुंदर ना हो, इतनी अट्रैक्टिव ना हो, फिगर इतना बढ़िया ना हो, लेकिन अगर वो मेंटली, सेंसुअली और सेक्सुअली हॉट है, इन तीनों चीज़ों पे वो हॉट है, तो ऐसी वाइफ को हॉट वाइफ का दर्जा दिया जाता है। लाइफस्टाइल में हॉट वाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल में हॉट वाइफ मतलब होता है कि वो लेडी, वो फीमेल जो कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है। अब ये बात सुन के आप सबको लग रहा होगा कि यार, ऐसी तो औरतें बहुत होती हैं, बहुत मिल जाएंगी जो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से रिलेशन बिल्डअप करती है। लेकिन यहाँ पे जानते हैं ट्विस्ट क्या है? कि वो फीमेल, वो वाइफ जो कि अपने हस्बैंड के घर से निकलने के बाद किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाती है, उसके हस्बैंड को कानो कान खबर नहीं होती, वो हॉट वाइफ नहीं कहलाती। हॉट वाइफ का मतलब होता है कि वो रिलेशन तो बनाती है किसी आउटसाइडर से, लेकिन उसकी पूरी जानकारी उसके हस्बैंड को होती है। दैट मीन्स शी इज़ हॉट वाइफ। हॉट वाइफ जो होती है उसे बेसिकली तीन दौर से गुजरना पड़ता है। पहला दौर ये कि उसे उसके हस्बैंड को पूरी जानकारी होती है कि उसकी जो वाइफ है किसी आउटसाइडर के साथ हमबिस्तर हो रही है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। दूसरा दौर क्या होता है, दूसरी स्टेज, कि हस्बैंड को पता होता है कि उसकी वाइफ किसी आउटसाइडर, आई मीन बुल के साथ हमबिस्तर हो रही है, और वो उसे अपने सामने सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए देखता है और वो खुद को एंटरटेन करता है, मैस्टरबेट करता है, और वो इस चीज़ को, इस पल को एंजॉय करता है, अपनी फैंटेसी को पूरा करता है। तीसरा दौर क्या होता है कि जिसमें जो हॉट वाइफ होती है वो बुल के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रही होती है अपनी हस्बैंड की नज़रों के सामने, हस्बैंड एंजॉय कर रहा होता है, और आफ्टर सम टाइम वो भी उन दोनों को ज्वाइन करता है और थ्री सम एक्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो कॉमन होती हैं। इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ की फैंटेसी के ऊपर कि वो कैसे चाहते हैं। नॉर्मल वाइफ से हॉट वाइफ बनने का सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा होता है, और इसकी जो शुरुआत होती है वो 99.9% हस्बैंड के दिमाग की उपज होती है। हस्बैंड के दिमाग में ये कीड़ा आता है कि मुझे अपनी वाइफ को हॉट वाइफ बनाना है, और जब उसके दिमाग में ये कीड़ा आना शुरू हो जाता है कि मुझे अपनी वाइफ को हमबिस्तर तो होते हुए देखना है, मुझे अपनी वाइफ को, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ कोई सेक्स करे और मैं इंजॉय करूँ उसे देख के, जब ये चीज़ें उसके दिमाग में आनी शुरू होती है तो उसकी अपनी लड़ाई शुरू हो जाती है अपने आप से। ये फितूर सबसे पहले हस्बैंड के ही दिमाग में आया है, तो ये जो वाइफ को हॉट वाइफ बनाने का जो मुश्किल दौर होता है, इससे गुजरना भी सबसे पहले हस्बैंड को ही पड़ता है। अभी जो हस्बैंड होता है खुद कश्मकश में होता है, अपनी लड़ाई उसकी खुद से हो रही होती है कि मैं सही तो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ, मेरे अंदर अगर ये सोच आ रही है तो कहीं मैं अबनॉर्मल तो नहीं हो गया हूँ, या मेरे को ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। जनरली तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ नहीं देख सकता, लेकिन अगर मेरे साथ ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं अबनॉर्मल तो नहीं हूँ, मेरे साथ कोई दिक्कत ही, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसे ये चीज़ें समझने में, ये चीज़ें क्लियर होने में ही सालों साल लग जाते हैं, और जब वो कन्फर्म हो जाता है इन चीज़ों को लेके कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद उसकी दूसरी लड़ाई शुरू होती है। अब जो उस हस्बैंड की दूसरी लड़ाई शुरू होती है अपने साथ, वो क्या होती है, वो सोचता है कि चलो अभी तो मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ, मेरी इमेजिनेशन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मान लो अगर मैं अपनी वाइफ को रेडी कर लेता हूँ हॉट वाइफ बनने के लिए, आज नहीं तो कल मैं उसे रेडी कर लेता हूँ, और मुझे अगर बुल भी मिल जाता है और वो मेरी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करना शुरू करता है, तो जब ये प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी, जब ये लाइव होंगी, तो मैं इसे डाइजेस्ट कर पाऊंगा, मैं इसे हजम कर पाऊंगा, अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख पाऊंगा। तो इस कश्मकश में उसका दिमाग 24 घंटे रहता है, वो सोचता है कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ फैंटेसी में जी रहा हूँ, और जब ये लाइव चीज़ें होने लग जाए तो मुझसे बर्दाश्त ही ना हो। तो अपने आप को जज करने के लिए वो कुछ चीज़ें करना शुरू करता है, अपने आप को टटोलने के लिए वो अपनी वाइफ को सेक्सी ड्रेसेस पहनाएगा, बाहर लेके जाएगा भीड़ भड़ाके इलाके में, और देखेगा कि अगर मेरी वाइफ को कोई देखता है या उसे टच करके जाता है या कोई उसे ताड़ता है तो मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ या नहीं। अब जो लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो बैक ऑफ हो जाते हैं, वो समझ चुके होते हैं या समझ जाते हैं कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, ये पॉर्न में चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चलो हम पॉर्न में ही देख के अपने आप को मैं इंजॉय कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें पास हो जाते हैं, वो अपने आप को पास का सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अपनी वाइफ को इस तरह से, अगर वो सेक्सी ड्रेस में है या कोई उसे देख के ताड़ रहा है, उसे देख रहा है, उसे स्माइल कर रहा है या उसे टच होके जा रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे माइंड में कोई हलचल नहीं हो रही, मुझे बर्दाश्त हो रहा है और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो इस तरह से वो अपने आप को पास का सर्टिफिकेट दे देते हैं और थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। तीसरी लड़ाई शुरू होती है उसके हस्बैंड की, वो क्या होती है कि मैं अपनी वाइफ को अपनी ये दिल की इच्छा बोलूँ कैसे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं उसे कैसे बोलूँ कि मैं
तुम्हें किसी और के साथ हमबिस्तर होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के साथ हमबिस्तर हो, किसी और के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करो। चीजें अपनी वाइफ को कहते हुए अच्छे अच्छे आदमी का जो जमीर है वो उसे झंझोर के रख देता है। जब उसे पहली बार पता लगता है कि मेरा हस्बैंड ये चाहता है और वो मेरे हस्बैंड की जो दिली इच्छा है वो ये है कि मैं किसी और के साथ सेक्स करूं और वो मुझे देखेगा, तो जब वो ये फर्स्ट टाइम सुनती है तो उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरती है और खजूर पे नहीं अटकती, सीधा ज़मीन पे आके गिरती है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि मेरा हस्बैंड मेरे बारे में ये सोच रहा है। तो यहाँ से उसका जो वाइफ से हॉट वाइफ बनने का सफर जो होता है ना, यहाँ से शुरू होता है। और उसकी लड़ाई, अब जो लड़ाई होती है वो वाइफ की अपने आप से शुरू हो जाती है कि मेरा हस्बैंड ये चाहता क्या है, मेरे हस्बैंड को हो क्या गया है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे किसी और के साथ हम बिस्तर होते हुए देखना चाहता है, ये कहीं मेंटली सिक तो नहीं हो गया है, कहीं इसको कोई इसके ऊपर अला बला भूत बला ये तो नहीं, इसके ऊपर किसी ने कुछ कर वरा तो नहीं दिया है। ऐसा भी सोचती हैं औरतें कि उसे अपनी शादी के ऊपर डाउट होने लगता है, उसे लगता है कि यार मैंने जिससे शादी करी कहीं गलती तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझसे नाखुश है और मुझे छोड़ने के लिए ये सब बहाने कर रहा है, ये सब चीजें मेरे साथ कर रहा है। तो इस तरह की चीजें उस वाइफ के दिमाग में चढ़ने लग जाती है और वो मेंटली डिप्रेशन में भी आ सकती है, इनफैक्ट आती है, और इस तरह की चीजों से वो गुजर रही होती है। तो कितने लोग जो मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि रिया मैम प्लीज हमें बताओ कि किसी वाइफ को, अपनी वाइफ को मैं राजी कैसे करूं, वाइफ स्वैप करने के लिए राजी कैसे करूं, तो डियर ये इतना आसान नहीं है। ये आफ्टर ऑल जब कोई औरत शादी करके आती है तो वो ये तो सोच कर नहीं आती ना, अपने माइंड में ये तो थॉट रख के नहीं आती कि शादी करने के बाद जिस हस्बैंड के साथ मैं रहूंगी वो आगे आने वाले टाइम में मुझे किसी और के साथ सोने के लिए बोलेगा। तो आप सोचिए जब उसे पता लगता है आफ्टर 3 or 4 years कि मेरा हस्बैंड मुझसे ये चाहता है कि मैं किसी और के साथ सेक्स करूं और वो देखे, तो उसके लिए कैसा, कैसी उसकी फीलिंग होगी, कैसा वो सोचेगी, कैसा उसके दिमाग की इमेजिनेशन होगी। क्योंकि आप जिस कल्चर की बात कर रहे हो, क्योंकि आप जिस कल्चर की उससे बात कर रहे हो, जिस लाइफस्टाइल की उससे बात कर रहे हो, वो तो उसने सपनों अपने कभी इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा, उसे तो पता ही नहीं कि लाइफस्टाइल जैसी कोई चीज होती भी है या इस तरह का भी कोई कल्चर होता है। वो तो अज्ञान है, पूरी अज्ञानी है वो, उसे क्या पता कि ये चीजें भी होती है। चाहते हो कि आपको तो 4 साल लगे लेकिन आपकी जो वाइफ है वो 4 दिन में रेडी हो जाए, इज इट पॉसिबल? वाइफ के दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे होते हैं, कई तरह की कश्मकश उसके दिमाग में चल रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे आजमाने की कोशिश कर रहा हो, इसने हॉट वाइफ उठा तो रखा है लेकिन एक्चुअल में इसके मन में कुछ और हो। और मान लो अगर मैं यस कर देती हूँ अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, अगर मैं अपनी तरफ से यस कर देती हूँ कि ठीक है मैं हॉट वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ, आपने जैसे बोला वैसे मैं करूंगी, तो बाद में पता लग रहा है वो मेरे ऊपर ही बम फोड़ दे कि बाद में बोले कि देखा मैं तो उसे यही निकलवाना चाह रहा था और तूने हाँ करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे को दिखा दिया। तो ये सब चीजों से वो गुजर रही होती है और वो एक, ये मैं आपको उस वाइफ की मेंटल स्टेटस बता रही हूँ। हस्बैंड होते हैं वो उनके पीछे लगे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं कि यार तू हॉट वाइफ बन जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। इतना आसान नहीं होता, मेंटली प्रिपेयर होने में किसी भी औरत को बहुत टाइम लगता है। अब मान लो जो हस्बैंड है वो लगा हुआ है उसे प्रिपेयर करने में और उसके लिए कंफर्टेबल माहौल तैयार करता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, उसे पॉर्न मूवीज दिखाता है, लाइफस्टाइल से अवगत कराता है कि ऐसा कल्चर होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेबी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इससे हमारे रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखूंगा क्योंकि जो तुम कर रही हो वो मेरी मर्जी से कर रही हो, मैं खुद चाहता हूँ, तो ये मेरी फैंटेसी है, तुम अपने हस्बैंड की फैंटेसी पूरा करने के लिए कर रहे हो। ऐसे कर करके मान लो वो हॉट वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब हॉट वाइफ बनने के बाद उसके लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं इस पे बात करेंगे। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना, और ये उसके लिए क्या, उसके हस्बैंड के लिए भी होता है। तो जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिलेक्शन ऑफ बुल, क्योंकि इसमें हस्बैंड और वाइफ ये जो दोनों, ये जो कपल होते हैं दोनों को ही पता होता है वो किसी थर्ड पर्सन को अपनी जिंदगी में एंट्री करा रहे हैं विद आइडेंटिटी, और वो जानते हैं कि वो उस इंसान को जो थर्ड पर्सन है जो आउटसाइडर है उसे किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व करने वाले हैं, उसने अपना मुंह खोल दिया, उनकी प्राइवेसी को लीक आउट कर दिया, तो वो पूरी अपनी सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही एक जो बुल को सिलेक्ट करना अपने आप में चैलेंज होता है, उन्हें ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि प्राइवेट हो, उनकी उनकी प्राइवेसी मेंटेन करके रहे, जिस पे वो विश्वास कर सके। तो जो हॉट वाइफ होती है उसके दिमाग में हमेशा यही सवाल रहता है कि जो बुल की सिलेक्शन करे, हस्बैंड करे या वाइफ करे, वो ट्रस्टवर्दी हो। उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार इस इंसान के साथ मैं बेड शेयर करने वाली हूँ, मैं न्यूड होने वाली हूँ, ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं।
कि कहीं वो कोई चीप मेंटालिटी का तो नहीं होगा, क्योंकि होते हैं कुछ लोग, कुछ मेल ऐसे होते हैं, मैं कुछ मेल की बात कर रही हूँ, उनकी जो माइंड से बहुत चीप होते हैं, और वो बुल बुल के नाम का झंडा वो उठा लेते हैं कि हाँ यस आई एम बुल, और बताइए मैं रेडी हूँ आपकी वाइफ के साथ एक्ट करने के लिए, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हॉट वाइफ को देखता है, उस हॉट वाइफ को कोठे वाली का दर्जा देने में और उसके हस्बैंड को नामर्द का टैग देने में उसे एक सेकंड नहीं लगता, जबकि हकीकत कुछ और होती है। वो अपने फन के लिए इस लाइफस्टाइल का हिस्सा बने और बुल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें सिर्फ वही दर्जा देता है कि हाँ ये सामने वाली कोठे वाली है, और ये जो है इसका जो हस्बैंड है इससे कुछ होता होता है नहीं, नामर्द कहीं का, इसलिए इसने मुझे ढूंढा है या मुझे बुलाया, मेरे पास आया है। तो ये मेंटालिटी लोगों की होती है। अब बात करते हैं कि जो हॉट वाइफ है, जो हॉट वाइफ होती है उसके, और उसकी जिंदगी में जब वो हॉट वाइफ बन जाती है तो क्या उसके लिए पॉजिटिविटी रहती है, उसको उसका पॉजिटिव साइड क्या होता है, उसे क्या अच्छा लगता है हॉट वाइफ बनने के बाद, तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगी वो उस कपल्स की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं और अपने बारे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं कि हॉट वाइफ बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आए। परिवर्तन संसार का नियम है, हर इंसान आज नहीं तो कल बोर होता ही होता है अपनी रूटीन लाइफ से। तो कहने का मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में लव, केयरिंग, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें रहती हैं, ये कहीं नहीं जाती, लेकिन उन दोनों के बीच में एक स्पार्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। आप खुद को टटोलिए, खुद को जज कीजिए। जब आपकी शादी हुई थी, आपके बेटर हाफ के साथ आपकी लाइफ कैसी थी, शुरू के जो शुरुआती साल होते हैं कितना आप इंजॉय करते थे, लाइफ पूरी एक्साइटमेंट से भरी हुई रहती थी, चल भाई यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, परवाह नहीं थी दुनियादारी की, घूमने चलते हैं और एंजॉय करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, नए नए कपड़े पहन के इधर उधर जाना, शोज देखना, मस्ती करना, ये सब होता था नहीं होता था। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो बिजी हो जाता है कमाने में, और जो वाइफ होती है वो बिजी हो जाती है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में, अपने बच्चों को संभालने में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपनी रिलेटिव्स की आवभगत करने में उनका पूरा उसका पूरा टाइम चला जाता है, तो वो अपने ऊपर ध्यान ही कहाँ दे पाती है। फिर आगे बात आती है कि अगर एक्साइटमेंट की बात करें, अब अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो वो बस वो साल के 2 ही दिन होते हैं जब वो एक्साइटमेंट उनके अंदर जागती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, कब, या तो करवा चौथ हो जाए राइट, या फिर दूसरा उनकी एनिवर्सरी हो जाए, तब याद आती है उन्हें एक दूसरे की, और पूरा साल तो ऐसे निकल ही जाता है। तो क्या होता है कि हॉट वाइफ जब वो बनती है ना, कोई जो वाइफ है जब वो हॉट वाइफ बनती है तो वो उसके अंदर उसकी ज़िंदगी में एक एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। ये मैं नहीं कह रही, वो लोग कह रहे हैं जो मुझे मैसेज पे सारी चीज़ें बताते हैं। उसकी ज़िंदगी एक्साइटमेंट से भर जाती है, वो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देती है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर देती है, अपने केयर करना शुरू कर देती है, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देती है, अपने आप को टाइम देना शुरू कर देती है। तो ये चेंजेस उसकी ज़िंदगी में आते हैं, जो मतलब वो अपने आप को खो चुकी होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने लग जाती है। देखिए ये इंसान का नेचर है, कोई भी आदमी अगर उसके पास वजह ना हो कि मुझे सुबह उठ के काम धंधे पे जाना है भैया, खर्चे निकालने हैं, बच्चों की फीस है, फैमिली संभालनी है, अगर उसके पास ये वजह ना हो तो वो अपना बेड ना छोड़े, सुबह वो ना उठे, सोता ही रह जाए। इसी तरह से वाइफ के पास अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ये वजह ना हो कि यार मुझे अपने बच्चों को सुबह उठ के ब्रेकफास्ट देना है, मुझे उन्हें स्कूल भेजना है, तो वो जिंदगी में कभी बिस्तर पे से ना उठे टाइम से। तो ये है, ये नेचर है, ये इंसान का नेचर है, उसे वजह चाहिए होती है। अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको वजह तलाशनी होती है। तो ये जो हॉट वाइफ जो है ना, हॉट वाइफ बनना ये उसकी जिंदगी में वजह पैदा करता है कि वो अपने आप से प्यार क्यों करे, अपने आप को अप्रिशिएट क्यों करे, अपने आप को प्रायोरिटी पे क्यों रखे। और यही होता भी है, जब वो वाइफ हॉट वाइफ में कन्वर्ट होती है, वो अपने आप से प्यार करना शुरू कर देती है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर देती है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देती है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। एक और जो बेनिफिट देखा गया है वो ये देखा गया है कि जैसे ही शादी होती है, शादी होने के कुछ टाइम बाद, खासकर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हस्बैंड के ऊपर भी, वाइफ के ऊपर भी, कि जो हस्बैंड होता है वो अपना कमाने धमाने में बिजी हो जाता है, जो वाइफ होती है वो अपने बच्चे संभालने में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में, और अगर वाइफ अगर वर्किंग है तो उसके ऊपर तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसे अपना बाहर भी देखना है और अपने बच्चों को भी देखना है। तो ऐसे में क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो कि एक छत के नीचे ही रहते हैं, हफ्ते हो जाते हैं वो एक दूसरे से ढंग से बैठकर बात भी नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। उसमें एक है ना वो फंडा, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो हस्बैंड होते हैं उनका माइंड एक तरह से सेट ही होता है, यार शादी हो गई अब कहाँ जाएगी, और वैसे भी
घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है उसके लिए, तो इसलिए उसे रहता है कि हाँ ठीक है कभी भी बात कर लूंगा, क्या दिक्कत है, आज बात आज नहीं हुई कल हो जाएगी, कल नहीं परसों हो जाएगी, तो ऐसे उनकी जिंदगी थर्रे पर चल रही होती है। लेकिन जैसे ही वो जो वाइफ है वो हॉट वाइफ में कन्वर्ट होती है, ये कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। कहने को अब भी टाइम वही होता है, टाइम नहीं होता उनके पास, लेकिन हस्बैंड अब टाइम निकालना शुरू करता है। अब वो जो दाल होती है, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो जो दाल होती है वो कॉन्टिनेंटल फूड लगने लग जाती है उसे। उसे पता होता है कि अब दूसरा बंदा आ गया है जो किसे अप्रिशिएट करने वाला है, उसकी तारीफें करने वाला है, उसको वैल्यू देने वाला है, उसको इंपॉर्टेंस देने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखकर जो वो जो उसका हस्बैंड होता है उसके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन ही होता है एक तरह से। वो उसे फिर बस ये रहता है कि नहीं, इससे पहले कि वो उसकी तारीफ करे मैं उसकी तारीफ करूं, इससे पहले कि वो उसे अप्रिशिएट करे मैं उसे अप्रिशिएट करूं, मैं उसके साथ अब टाइम स्पेंड करूं। तो मतलब जो चीजें कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ा, तो दो चीजें सीधे सीधे नहीं हो रही थी, अब वो हो रही है और अभी भी वही है, टाइम अभी भी नहीं है, ठीक है, बिजी अभी भी है हस्बैंड, वाइफ भी बिजी है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए टाइम निकाल रहे हैं। वो कम्युनिकेशन गैप जो आ जाता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और वो जो बॉन्ड होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक दूसरे को खोने का डर बॉन्ड को स्ट्रांग करता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। अब मान लो कि आपने अपनी साइड से देख परख के एक बुल को सेलेक्ट कर लिया, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ पता है आगे जाके वो अपना क्या रूप दिखाएगा? क्योंकि ऐसा देखा गया है कुछ चीजों में, कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि जो बुल होते हैं कुछ लोग, दिमाग चेंज हो जाता है किसी भी इंसान का, हो सकता है, और वो आगे जाके आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि भाई मुझे पैसे दो तभी मैं करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो बोले कि आपने मेरे साथ तो कर लिया, मेरा दोस्त है, इसके साथ भी करो, अगर नहीं करोगे तो मैं अपना आपका जो सीक्रेट है वो लीक आउट कर दूंगा सोसाइटी में। ये चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं, ये एक तरह के चैलेंजेस ही होते हैं। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो अपने आप को कल्प्रिट समझने लग जाते हैं। जो कपल होते हैं उनका हाथ हमेशा नीचे रहता है, और जो बुल होता है उनका हाथ उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, और वो आपको अपनी मनचाहे तरीके से आपको यूज करना शुरू कर देता है, और आप उसकी हर बात मानने के लिए आपको फोर्स होना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप उसके मेंटल स्लेव बन जाते हैं। अगर कोई बुल फिजिकली और सोशल लेवल पे उस कपल से स्ट्रांग है तो वो इन फ्यूचर उस कपल के ऊपर हावी हो सकता है। अगर सब कुछ आराम से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों के बीच में मनमुटाव आ जाए, कपल और उस बुल के बीच में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव आ जाए, तो ये दिक्कतें परेशानी इन फ्यूचर खड़ी हो सकती हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो इसमें क्या होगा, वो जो बुल होगा वो आपसे साफ बोलेगा कि भाई ऐसे कर ले, अगर ऐसा कर लेगा तो ठीक है, वरना फिर वैसा हो जाएगा। एक साइड इफेक्ट और भी देखा गया है, वो क्या कि जो बुल का सिलेक्शन किया जाता है, जो उसका चुनाव किया जाता है, वो यही सोच के किया जाता है कि यार अगर मेरे हस्बैंड से हर चीज में बढ़िया हो, परफॉर्मेंस वाइज भी, लुक वाइज भी, नेचर वाइज भी, तो मैं इसके साथ कुछ करूँ, अदरवाइज मेरा हस्बैंड ही ठीक है, उसी के साथ ही मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो अगर जो बुल है वो उस हॉट वाइफ के हस्बैंड से बीस पड़ता है, तो इसका मतलब क्या कि जो हॉट वाइफ है और जो बुल है उन दोनों के बीच में इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन प्यार पनप सकता है। और मान लो ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में प्यार का अंकुर फूट गया, उस बुल के बीच में और हॉट वाइफ के बीच में, तो एक अच्छा खासा परिवार इस फन के चक्कर में तबाह हो सकता है। तो यहाँ पर अपने माइंड को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करूंगी प्रिकॉशंस की, तो कुछ चीजों का ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस फन को फन की तरह ही रहने दीजिए। अगर आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, अगर आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हस्बैंड लोग जो होते हैं ना, वो बुल की लाइन लगा देते हैं वाइफ के सामने कि यार अभी तो तुम एक के साथ कर रहे थे, अब तीन के साथ भी करना शुरू कर दो, यार तीन के साथ कर रही थी, अब चार के साथ भी करना शुरू कर दो, मुझे देखना है, मुझे मजा आता है, अरे यार तुम एक काम करो ना, ग्रुप सेक्स करना शुरू कर दो, गैंग बैंग करना शुरू कर दो, ये भी एक नया चीज़ है, नई एक्साइटमेंट होगी। तो ये चीजें होती हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने पहले भी एक बार कहा है कि आविष्कार जो होता है वो सॉरी जो आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। लेकिन जब आविष्कार होते हैं, एक बार चीज का आविष्कार हो गया, तो आविष्कार होने के बाद उसमें डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। खुद आप सोचिए कि जब पहले मार्केट में मोबाइल आया था तो कीपैड वाले होते थे, एंड्रॉयड नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। आप फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये अपग्रेडेशन ही तो है, ये डेवलपमेंट ही तो है। तो
ऐसे में क्या होता है कि जो आदमी होता है, जो जो हस्बैंड होता है, वो डे बाय डे डिमांडिंग होने लग जाता है. अब ऐसे कर दो, अब वैसे कर दो, अब फलाना कर दो, अब ढिमकाना कर दो. तो इसमें क्या होता है, वो दूसरे के लिए भी अनकंफर्ट चीजें होती हैं. तो यहाँ पर ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है. कहने का मतलब ये है कि जब फैंटेसी पूरी होने लग जाती है तो फैंटेसी में अपग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है. जो मेल होते हैं, आई मीन जो हस्बैंड होते हैं, जो पहले फन के लिए सारी चीजें कर रहे होते हैं, धीरे 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 जब उनकी वाइफ की डिमांड बढ़ने लग जाती है तो वो पेड सेक्स करना शुरू कर देते हैं कि अब तो जो कुछ भी करेंगे भैया पेड करेंगे, मतलब कि पैसे देकर मैं अपनी वाइफ को शेयर करूंगा. तो ये चीजें होती हैं. तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से एक लाइफ में एक टर्न शुरू होता है. चीजें जब इस तरह की होनी शुरू हो जाती है तो लाइफ के हेल बनने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं. तो अपनी लिमिट्स पहले से ही तय करके रखिए कि आप फन के लिए आए हैं, जिस चीज के लिए मरे जा रहे हैं, जिस चीज के लिए आप इस लाइफस्टाइल का हिस्सा बने, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको जिंदगी में इस चीज को अपनी फुलफिल करना था, आपकी फैंटेसी थी, तो उसको तय करके रखिए. राइट, उन चीजों को तय करके रखिए, उनसे आगे ना बढ़िए. क्योंकि क्या होगा, अगर ये फन आपकी आदत बन जाएगी तो उस आदत बनने के बाद आप एक स्टेप और फॉरवर्ड होंगे. राइट, और वो आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा. एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी हॉट वाइफ के लिए, जो कि बहुत 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 जरूरी है और मैं बताना भूल गई थी, वो ये कि कोई भी जो हॉट वाइफ है, जोश में होश ना गवाए. तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखे, हमेशा इस चीज के लिए सतर्क रहें कि इन केस कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए. क्योंकि क्या है, आपका तो ये शौक है, आप शौक के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, अपने फन के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो जाए, और होता है तो लाइफ टाइम के लिए एक ऐसी चीज हो जाएगी कि जो बच्चा है जब ये हंसता है तो मेरे हस्बैंड की तरह दिखता है या बुल की तरह दिखता है, इसकी जो आंख, इसकी जो नाक है मेरे हस्बैंड पे गई है या बुल की तरह गई है. तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको जिंदगी भर कचोटती रहेगी और आपको गिल्ट फील होगा एक के. सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो. सो थैंक यू.